तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्पाइन की एनाटॉमी के बारे में। तो स्पाइन जो है वो एक हड्डियों का समूह है जो कि एक के ऊपर एक हमारी जो वर्टिब्रल बॉडीज रहती है वो बैठे रहते हैं, और बीच में एक डिस्क रहती है जिसको हम गादी भी बोलते हैं, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं इनके बीच में, और एक अप्रोप्रिएट गैप बना के रखते हैं जो इन दो हड्डियों के बीच का ज्वाइंट रहता है, जिसको हम ये वाला जो ज्वाइंट है इसको हम फेसेट ज्वाइंट कहते हैं। और हर दो लेवल के बीच में एक नर्व निकलती है दोनों साइड पे, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है, और लोअर बैक में जो ये नर्व है पैरों की नर्व सप्लाई करती है, जिससे हमारे पैर चलते हैं, उंगलियां पैरों के टोज चलते हैं और हमें सेंसेशन का एहसास होता है। और इन हड्डियों से जो ये बाहर हड्डियां निकली हुई हैं, ये आपस में कुछ लिगामेंट्स भी कनेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं हड्डियों से मांसपेशियां भी कनेक्टेड रहती है। तो ये लिगामेंट्स और जो मांसपेशियां हैं वो हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है कमर दर्द का मांसपेशियों से रिलेटेड रहता है, जो कि हमारे बैड पोस्चर की वजह से कंटिन्यूस वर्क करती रहती हैं, और उस वर्क करने के कारण उनको आराम नहीं मिल पाता है, उसके कारण उसमें स्पैजम्स हो जाते हैं, जो कि अक्यूट स्पैजम्स या क्रोनिक स्पैजम के रूप में आपको कमर में दर्द की अनुभूति होती है। अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है डिस्क प्रोलैप्स होना, जो ये गादी है, ये गादी एनुलस फाइब्रोसिस, बाहर इसका कवरिंग रहती है और उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो फट के बाहर आ जाता है और नस से छूने लगता है या नस को दबाने लगता है, जिसकी वजह से ये सियाटिका का पेन उत्पन्न होता है, जो कि आपको पैरों में फील हो सकता है।